हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइट में। आज के इस वीडियो में देखेंगे टाना भगत आंदोलन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको झारखंड के प्रमुख विद्रोह और आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जतरा भगत। अगला प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 अप्रैल 1914। अगला प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुमला। खंड जीके के लिए आप चक्षु पब्लिकेशन का यह बुक ले सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें प्रत्येक टॉपिक को डिटेल्स में बताया गया है और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिया गया है। इसमें आपको 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं और ये आपके जो आने वाला एग्जाम है उसको ध्यान में रख के इसको तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं इस बुक में एक एक टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। इसके अलावा करेंट के क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा बुक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन विद्रोह को बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस आंदोलन के नेता बुद्ध भगत थे, ये असत्य है। बाकी जो तीन यहाँ पर लिखे गए हैं ये सत्य लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ताना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वशासन की स्थापना। ताना भगत आंदोलन की प्रमुख उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना। अगला प्रश्न है, मांडर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने के लिए किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीबू भगत। अगला प्रश्न है, विष्णुपुर में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने के लिए किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीखू भगत। अगला प्रश्न है, घाघरा क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलराम भगत। अगला प्रश्न है, सिसई क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देव मनिया। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन को प्रारंभ में इनमें से किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरुख धर्म आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं, ताना भगत आंदोलन प्रारंभ करने के बाद जतरा भगत को किस वर्ष गिरफ्तार कर लिया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जतरा भगत को 1916 में गिरफ्तार करने के बाद कितने समय की सजा दी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक वर्ष की सजा इनको दी गई। जतरा भगत की मृत्यु किस कारण से हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेल की प्रताड़ना से। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांस खाने की स्वीकृति के कारण। अगला प्रश्न है, ताना भगतों को इनमें से किसने मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की थी?
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीबू भगत। अगला प्रश्न है, ताना भगतों के विभाजन के बाद मांस खाने वाले वर्ग को किस नाम से जाना गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाहा भगत। अगला प्रश्न है, ताना भगतों के विभाजन के बाद शाकाहारी वर्ग को किस नाम से जाना गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुवा भगत। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था? ताना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसक। अगला प्रश्न है, इनमें से किस क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रभाव था? किस क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रभाव था? देखिए, झारखंड के बारे में जब भी कोई पहले प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें क्षेत्र जरूर लिखा होगा, उस समय आपको राज्य देखने को नहीं मिलेगा या फिर कोई जिला देखने को, उस समय वो क्षेत्र ही पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि रांची, पलामू और सरगुजा क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन के दौरान ताना भगतों ने महात्मा गांधी के किस आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों, यानी कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके नेतृत्व में ताना भगतों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धू भगत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न है, ताना भगतों ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1922 के गया अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों द्वारा महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली उपहार स्वरूप दी गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 400 रुपए। अगला प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र जनजातीय आंदोलन कौन सा जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंदोलन धार्मिक से राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद का अधिनियम कब पारित किया गया? रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 में। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ताना भगत आंदोलन से संबंधित थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।